हेलो दोस्त आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आई टी ग्वाटी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू वॉट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी फिजिक्स फॉर जे ई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम एंड ऐसे ऑथेंटिक एंड एंड बाइज कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्त सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास टाइम कितने बचे हुए हैं वॉट इज द टाइम लेफ्ट राइट तो देखिए अभी जून का मंथ चल रहा है जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर थ्री थ्री सिक्स मंथ्स राइट right, तो हमारे पास इफेक्टिव अभी सिक्स मंथ्स बचा हुआ क्योंकि हमारे कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें टाइम जानना जरूरी है ठीक है कि कितना अभी टाइम बचा हुआ है उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो सिक्स मंथ्स बचा हुआ है तो उसी में हमें डिवाइड करना मैंने दिसंबर यहाँ नहीं लिखा बिकॉज इन दिसंबर हमें मॉक टेस्ट देना है दिसंबर में वी नीड टू गिव मॉक टेस्ट क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि टेंटेटिवली जे मेन्स आपका जनवरी से स्टार्ट होगा जनवरी से आपका मेन्स एग्जाम होगा राइट फर्स्ट अटैम्प्ट जो भी होगा फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत ईजी मीन्स आपको कम मार्क्स में ही ज़्यादा परसेंटाइज मिलेंगे तो आर मेन फोकस इज टू गेट नाइन्टी नाइन प्लस इन दी वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट एंड उसके बाद हम एडवांस के लिए फुली डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे दो तीन महीना जिससे हमारा श्योर शॉट आई का एक सीट पक्का हो जाए ठीक है दोस्तों तो देखिए मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाया हूँ मैंने प्रियोरिटी वाइज यहाँ पर मैंने लिखा है तो अगर आप चाहते हैं देन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट फ्रॉम हेयर राइट तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स की पर बात यह कि अभी आप लोग क्लास ट्वेल्थ में हैं अभी आपने स्टार्ट किया होगा तो मेजॉरिटी कोचिंग क्लासेस में भी एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन यू मस्ट बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इन चैप्टर में भी आप होंगे तो आपका स्ट्रैटेजी अभी क्या रहना चाहिए कि अगर आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़िए ट्वेल्थ भी है आपको बोर्ड भी देना अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा से पढ़िए और साथ साथ में वीकेंड्स में दैट इज सैटरडे संडे एंड कभी भी अगर आपको छुट्टी मिलता है अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं कभी भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो उसमें आपको इलेवंथ के साथ कंबाइन करना होगा एलेवंथ के साथ जैसे कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन आपको ऑर्डर यही रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन एक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं साथ में यूनिट एंड डायमेंशन हम सैटरडे संडे को पढ़ेंगे क्योंकि आपने पढ़ चुका अगर नहीं भी पढ़ा तो ये बहुत छोटा टॉपिक है सैटरडे को आपने इसका थ्योरी कर लिया एंड संडे को हमने इसके क्वेश्चन करना है मैं अभी सोर्सेज बताऊंगा कि आपको क्या लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ना है जिससे आपका हो जाए ठीक है तो घबराना नहीं है कि बहुत कम टाइम है एकदम सफिशियंट टाइम है सिक्स इज मोर देन इनफ फॉर जी मिन राइट तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा सबसे पहले अभी चल रहा है अगर हम वन वन मंथ भी सबको दें आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जून है देन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर एंड दिस इज अक्टूबर आप एक एक मंथ में भी एक एक टॉपिक को कीजिएगा तो आपका देखिए कितना कंफर्टेबली आपने पूरा ट्वेल्थ को एकदम अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया साथ में हम इलेवंथ भी कर रहे हैं तो इससे हमारे कहीं से भी लॉस नहीं होंगे ठीक है तो हमने यहाँ देखिए यूनिट एंड डायमेंशन द मंथ ऑफ जून हमने सैटरडे संडेज लगा के ख़त्म कर लिया फिर कामेटिक्स देन लॉस ऑफ मोशन देखिए सब लोग का मैकेनिक्स बहुत वीक होता है इलेवेंथ में तो मेरा भी था मेजोरिटी नाइनटी लोग के होते हैं तो हमें स्ट्रेटेजिकली गेम खेलनी है जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमें वो पहले टैकल करना है या ठीक है जैसे कि काइनेमेटिक्स हमने सबसे पहले किया फिर लॉस ऑफ मोशन करेंगे तो लॉस ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स हम कैसे करेंगे जब एक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया देन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स चलेगा ठीक है देन आपका मैग्नेटिज्म के साथ लॉस ऑफ मोशन चलेगा इस ऐसे हमें करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रोसैटिक्स चल रहा है एंड आपका यूनिट एंड डायमेंशन का रिविजन हो गया है तब आपको फिर स्विच कर सकते हैं आप कानामेटिक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक साथ एक ही करना है ठीक है ऐसे आप फॉलो कीजिए देन आपको देखिए इलेवेंथ का मैंने प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कानामेटिक्स यूनिट एंड डायमेंशन लॉस ऑफ मोशन वर्क फार एनर्जी देखिए वर्क फार एनर्जी तक मेजॉरिटी बच्चों का मैकेनिक्स अच्छा रहता है मेन दिक्कत आती है आपका सेंटर ऑफ मास देन आर बी डी तो पूरा रुला ही देता है स्टूडेंट्स को उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे भी रुलाया था इवन आपको भी रुलाया होगा ठीक है तो जब आप वर्क पर एनर्जी कर लेंगे उसके बाद आपको वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स में जाना है क्योंकि वेव्स एंड थर्मोडानेमिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत रहते हैं ज्यादा कंसेप्ट नहीं रहता है बेसिकली इसमें ज्यादातर फॉर्मुलज है और बहुत सारे कंडीशनस है अच्छे से अगर हमने इसका थ्योरी कर लिया तो हमसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनी जाएंगे ठीक है तो इसमें हमें घबराना नहीं है वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स अब उसके बाद जब आपने इलेवंथ के जो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें कवर कर लिया तब हमें अब फिर टफ वाले को उठाना है सेंटर ऑफ मास देन फ्लुइड्स एंड सॉल्व प्रॉपर्टीज जितने भी आपका होता है इलास्टिसिटी बल्क मॉडल जो जो आते हैं वो करना है देन आरबीडी इतना हमें करना है ठीक है क्योंकि मेंस है तो मेंस में हमें चैप्टर छोड़ना नहीं है आपको भी पता होगा मेंस में बहुत बार क्या होता है हार्ड चैप्टर से भी जिन्हें हम सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे उससे बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं तो हमें तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसलिए ये जो आपका चार चैप्टर है ये फिर से मैं बता रहा हूँ ये इतना अच्छा से हमें करना है कि हमसे जई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बन जाए ठीक है एंड बाकी इन चैप्टर में एज पर योर कंफ कम्फर्ट लेवल आपको प्रिपेयर करना है ठीक है एंड ये देखिए जो जई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है जैसे कि ई एम वेव्स हो गया क्या आपका अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया ठीक है ई एम वेव्स अर्थ मैग्नेटिज्म एंड जो भी आपके पा होते हैं जीम एन स्पेसिफ़िक टॉपिक्स ठीक है इन्हें हमें क्या करना है इन्हें हमें दिसंबर में करना है अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज इसमें मैक्सिमम रटने का चीज़ है अभी रटिएगा फिर भूल जाइएगा इसमें बस फॉर्मूला से एक एक दिन में एक एक चैप्टर हो जाएंगे तो विद इन वन वीक ये आपका पूरा कवर हो जाएगा यानी कि आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक फुल फिज़िक्स आपके मुट्ठी में होगा ठीक है तो कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमने डिस्कस कर लिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है कितने टाइम लेफ्ट है एकदम ऑथेंटिक वैसे हमें कुछ भी हाइपोथेटिकली नहीं सोचा कि ऐसा हो गया तो ये एकदम रियलिस्टिक है और ये अचीव हम कर सकते हैं उसके बाद आती है सोर्सेज की बारी कोचिंग स्टूडेंट्स एंड सेल्फ स्टडी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं देन यू नॉट नीड टू फॉलो एनी बुक्स जस्ट आपने जो भी थ्योरी किया देन आपके उसके बाद जो भी आप होमवर्क में डी बी मिलते हैं देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना वो भी चैप्टर वाइज मैं चैप्टर वाइज जो भी मैंने फॉलो किया था बेस्ट बुक मुझे जिनका लगा मैं आपको उसका लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ठीक है और मेजोरिटी लोग अगर सेल्फ स्टडी है तो आपको देखिए बेस बनाना है सिंगेज सिंगेज इज बेस्ट बुक फॉर जई एडवांस एज वेल एज जई मीस ठीक है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सिंगेज पढ़ना है देन मोहित त्यागी सर का यूट्यूब चैनल इन दोनों में से आपको ये कर सकते हैं अगर आपको वीडियो लेक्चर से करना है देन मोहित त्यागी सर का यूट्यूब चैनल में जाइए फिजिक्स का बहुत अच्छा सा प्ले लिस्ट बना यू कैन जस्ट फॉलो दैट एंड मेक नोट्स एंड देन यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन अब हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि बैक प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं मैं आपको अभी लाइव बताता हूँ कि कैसे हमें सिंगेज भी सॉल्व करना है ठीक है देखिए जैसे कि सिंगेज का हमने एक चैप्टर ले लिया कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें क्या करना अगर हम सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है हमें अच्छा से इसका थ्योरी करना है विद इन टू विद इन टू टू थ्री डेज हम इसका थ्योरी अच्छा से कर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एकदम सिंपल सिंपल है क्वांटाइजेशन एडिटिव स्ट्रक्चर एडिटिव एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज राइट तो ये सब हमें कर लेना है थ्योरी बहुत अच्छा से पढ़ लेना है और क्वेश्चन के जहाँ तक बात आती है सिंगेज की तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस कन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज वन पॉइंट वन ठीक है जितने भी कंसेप्ट एप्लीकेशन एंड सॉल्व एक्जाम्पल बस हमें उसी को सॉल्व करना है ठीक है इस्स्ट्रेशन हो गया जितने भी ठीक है बस हमें इतना ही सॉल्व करना है कोई भी बैक प्रॉब्लम्स देखिए आपने 1.2 भी सॉल्व किया फुल्ली सोल्व बुक है पूरा सोल्यूशन भी आपके पास है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है जितना भी देखिए सारा मेंस में आता है ये तो ग्राफ बहुत बार आता है तो आप देख लीजिएगा ठीक है वेरियस कंडीशंस है अच्छा सा मतलब एकदम सिंपली इसको आप थॉरली पढ़िए अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप लगा लीजिए दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर जी मेंस इवन फॉर जी एडवांस है एडवांस के लिए हम अलग से बात करेंगे ठीक है तो आपने देखिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया इलास्ट्रेशन फिर आ रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वन पॉइंट फाइव ठीक है डायपोल्स आ गया टॉर्क आ गया मीनस I mean, कुछ भी इसमें थ्योरी आपको छूटने वाला नहीं है ठीक है देखिए फाइनली आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वन पॉइंट सिक्स में खत्म होता है ठीक है तो आफ्टर सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आप थोरली रिवाइज कीजिए थ्योरी को देन यू नीड टू सॉल्व दिस वन सॉल्व एक्जाम्पल्स ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन होते हैं हॉट्स क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो भी पूरा सोल्व है तो आपसे नहीं बना तो देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द सल्यूशन कितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने हैं दिस इज अराउंड सिक्सिन क्वेश्चन ठीक है तो तुम लोग को सिक्सटीन क्वेश्चन अच्छे से कर लेने एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लगाना है देन यू नीड टू स्विच टू चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर तो हमें ऐसे सिंगेज को सोल्व कर लेना है ठीक है देन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लेना है तो इससे हमारा दिसंबर फर्स्ट वीक तक दिसंबर फर्स्ट वीक तक फुल वी आर रेडी फार जे मेन स्टेंटेंट तो यार ऐसे ही पढ़ते रहो कुछ भी आप लोगों को डाउट है देन यू कैन डेफिनेटलीटलीटलीटलीटलीट लाइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कुछ भी आपको डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली जॉइन माई टेलीग्राम चैनल आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपको कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए इन माई वीडियोज़ देन यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड तो ऐसी ही ऑथेंटिक कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अभी जोसा काउंसलिंग आ रही है तो मैं उससे भी रिलेटेड बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो डालूंगा तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मचाते रहिए